अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फैसल ब्लॉग ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता हूँ आप सब भाइयों को। तो आप सब भाइयों से गुजारिश है कि जिसने अभी तक फैसल ब्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बनाने लगे हैं बीफ कढ़ाई। तो बारिश का मौसम था तो बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है। तो आइए, इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दिखाते हैं आज आपको। तो ये सबसे पहले हमने गोश्त इसमें डाल दिया है, वो भी आपको दिखाया है। तो अभी इसको पकने के लिए रख दिया है। तो हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, ये देखें, ये प्याज है, अदरक है, लहसुन है और ये हरी मिर्च है। तो अब ये इनका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये इसके साथ गरम मसाला भी डाल देंगे, ये लाल मिर्चें भी हैं देसी, क्योंकि ये सारा काम देसी तरीके से ही हो रहा है। तो ये भी हमारे पास देसी चीज़ें हैं सारी की सारी। तो जनाब अभी हम ये तैयार कर रहे हैं, ये लहसुन और अदरक, ये अभी तैयार होगा। तो इसके बाद जो भी इसका अगला स्टेप होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये अभी तैयार हो रहा है। ये दोस्तों आज का व्लॉग जो है ना सिर्फ बारिश के लिए, आप सब दोस्त घर में बना के ट्राई करें। तो आज बारिश थी तो इसलिए हमने जो है ना ये डिश तैयार कर ली। अब ये अभी हरी मिर्चें तैयार कर रहे हैं। तो इसके बाद वो प्रेशर कुकर में गोश्त डाला हुआ है तो उसकी अभी सीटी नहीं आवाज़ देने लगी, तो उसका टाइम लगाएंगे 10 मिनट। तो 10 मिनट में गल जाएगा और तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम भून लेंगे घी डाल के, तड़का लगा के, यानी कि तो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये अभी तैयार हो रहा है, 10 मिनट का टाइम हो जाएगा पूरा, ये स्टार्ट होने वाला है। तो समझ लेंगे ये हो गया स्टार्ट, क्योंकि वो ये चीज़ जो है ना ये हिलना शुरू हो गई है। तो टाइम हम नोट कर लेंगे, तो 10 मिनट का टाइम लगा देंगे। तो अभी जो टाइम है ना वो ये टाइम हो गया तकरीबन 12:45। तो हम इसको 12:55 पे जो है ना उतार लेंगे, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। स्टार्ट कर दिए हमने टाइम, उतार लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये देखें अभी टाइम पूरा हो गया, 12:45 पे हमने रखा था, तो 12:55 पे हमने इसको बंद करना था। तो ये अभी हमने ये सिलेंडर बंद कर दिया।
ये अभी चूल्हा भी बंद हो गया, तो इसको हम थोड़ी देर बाद जो है ना, जब ये रुक जाएगी खुद ही तो फिर उतारेंगे, तो फिर दिखाते हैं हम आपको कि अंदर इसका क्या हाल है। तो दोस्तों ये अब हम इसको खोलने लगे हैं, तो दिखाते हैं आपको इसका अंदर का जो हाल है। ये गैस इसकी अंदर से ख़त्म हो गई है, तो ये चलें अब हम इसको खोल के दिखाते हैं। तो ये देखें ना आप, ये भी तैयार हो गया है अंदर से बिल्कुल, ये देखें ये पक चुका है बिल्कुल। ये जो है ना ये बिल्कुल पक चुका है, तो ये जनाब पककर तैयार हो गया। तो ये हमने रख दिया चूल्हा, तो इस पर कढ़ाई रखेंगे, तो इसको पकाएंगे अब दोबारा, जो घी डाल के पकाते हैं ना तो वो तैयार करेंगे। तो ये इसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई, ये रख दें, और चाहिए हमें घी, तो घी भी रख देते हैं इसमें, इसको घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये अब हम इसमें घी ऐड करेंगे, ये हसब ज़रूरत ही आपने डालना है, जितना आपको गोश्त होगा उस हिसाब से या जितनी आपको ज़रूरत हो। तो ये इतना सा हमने घी डाल दिया, तो इसमें सबसे पहले जो डालेंगे वो प्याज है। तो ये दोस्तों हम प्याज इसमें डालेंगे, ये डाल, ये इसमें भी डाल दिए हैं प्याज। तो इनको जब तक ये ब्राउन नहीं होते तब तक इसको हम पकाएंगे, जब ब्राउन हो जाएंगे तो फिर अगला काम बताएंगे आपको क्या करना है। ये प्याज हम पका रहे हैं इनको, तो ये अभी थोड़ी देर तक ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये हल्के हल्के हो चुके हैं, तो ये सही तरीके से जब ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च, फिर उसमें पानी डालेंगे, तो फिर उसमें अदरक लहसुन गरम मसाला जो जो चीज़ें डालेंगे वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है ये कुकिंग करना या खाना वगैरह खाना। तो ये चीज़ जनाब आप चेक करें, तो ये हल्के हल्के हो गए हैं स्टार्ट होना ब्राउन, सबसे पहले
ये रेड कलर की मिर्च है, लाल मिर्चें, ये देसी मिर्चें हमने कुछ तैयार की, ये डालूंगी ये जनाब, इसमें ये डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, हरी मिर्च, ये सारी चीजें हम एक ही साथ ऐड कर देंगे, कोई मसाला नहीं, क्योंकि दोस्त अलग अलग ऐड करते हैं, वो पता नहीं वीडियो की लंबी करने के चक्कर में या पता नहीं क्या सिस्टम है। तो ये जनाब हमने ये ऐड कर दिया, और इसके साथ नमक और हल्दी भी ऐड कर देंगे। ये तो ये अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये सब कुछ ऐड हो गया, तो इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, जब मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह तैयार हो चुका है हमारा जो है ना मसाला, ये बस थोड़ी देर तक इसको पकाने के बाद ये तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड कर देंगे फिर जनाब जो है ना गोश्त बीफ। तो बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छी तरह से ये पकाएंगे, सारा कमाल इसी चीज़ में ही होता है। बस अगर ये चीज़ आपकी सही तरीके से पक गई, तैयार हो गई, तो सालन आपका तैयार ही तैयार है। तो अगर इसी में कोई मिस्टेक हो गई तो फिर जायका बदल जाता है। नीचे से देखते हैं आप, कोई चीज़ हमने जलने नहीं दी, बिल्कुल ठीक है। और इसका जायका और जो है ना खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, ठीक ही हमने सुबह ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। ये भी तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो तैयार किया था गोश्त, इसमें सब वो ऐड करेंगे। ये हमने
तैयार करके रखा था, उसमें जो ये ऐड करेंगे, पिला देंगे। आज हम घर में अकेले थे, मैंने सोचा कि क्यों ना फ्री हैं तो ये खाना ही तैयार कर लिया जाए। तो ये डाल दिया इसमें, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह पहले वाले मसाले में। तो जनाब ये अभी मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, तो अब हम इसमें जो है ना ये पानी ऐड कर देंगे, जिसने ये बॉयल किया था वही पानी हम अभी इसमें डाल देंगे। ये शोरबे के लिए, तो ये तो आपकी मर्ज़ी है, जितना आपको शोरबा देने के लिए जी चाहे आप उसमें पानी उतना ही ऐड कर दें, अपनी ज़रूरत के काम करना चाहे सही है, नाम भी करना चाहिए तो भी ठीक है। तो ये हमने इसमें वो ऐड कर दिया, तो ये जनाब कोई ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट हम इसको पकाएंगे, तो बस फिर ये हमारा मज़ेदार कढ़ाई गोश्त जो है ना बीफ कढ़ाई वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम खा के आपको बताएंगे कि ये कैसा बना। तो ये जनाब दोस्तों ये पकने के लिए हमने रख दिया है, तकरीबन ये इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पे, क्योंकि पहले ही तैयार है ये, तो इसमें पानी डाला है ना तो वो अच्छी तरह से मिक्स जाए, मिक्स हो जाए और गल जाए पानी और जो गोश्त है। तो ये इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे, तो इसको ये बंद कर दिया, तो सिर्फ 8 या 10 मिनट का टाइम देंगे तो बस फिर ये हमारा मज़ेदार गोश्त तैयार हो जाएगा। भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे जो है ना फैसल व्लॉग ऑफिशियल के नाम से मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है अपना, एक छोटी सी कोशिश है, तो सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, और मुझे बताएं कि जो मैंने वीडियो बनाई है वो कैसी है। तो नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट करें, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो भी जो है ना वो भी इंशाल्लाह जल्दी बना के दिखाऊंगा और अच्छी वीडियो होगी। तो जनाब ये अभी टाइम हो गया है, तो ये देखें माशाल्लाह ये हमारा गोश्त जो है ना तैयार हो चुका है। पूरा पानी है, कोई ज़्यादा पानी भी नहीं डाला हुआ, तो दरमियाने साइज का जो गोश्त है वो भी तैयार हो चुका है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और मेरे फैसल व्लॉग ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट्स और लाइक तो बनता है। तो जनाब इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।